स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस चैनल पर मैं आपके सामने एक फिल्म के बारे में जानकारी दूंगा और मैं चाहूंगा कि आप इस फिल्म को जरूर देखें। सॉरी, मैं देखने की बात नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि आप इस फिल्म को पढ़ें। मैं वापस रिपीट कर दूं, आपको एक फिल्म के बारे में बताऊंगा और आपको उस फिल्म को पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपकी जो भी राय हो मुझे वो कमेंट बॉक्स में आप बताएं, ठीक है ना। देखना एक अलग बात होती है, ऐसे तो हर फिल्म देखते हैं हम, लेकिन मैं यहां आपको ये कह रहा हूं कि आप इस फिल्म को एक चैप्टर की तरह पढ़ें। तो एक बार उस फिल्म को देखें, मैं बताऊंगा, उसके बाद हम इस पर बात करेंगे। फिलहाल मैं एक प्रतियोगिता के बारे में बात करूंगा, आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण प्रतियोगिता है। कैसे क्वेश्चन बनेंगे उस पर ध्यान दें, ऐसा नहीं है कि हर चीज पढ़े जा रहे हो, ये गलत हो जाएगा, दिमाग में इतना जमावड़ा इकट्ठा हो जाएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। वो चीज पढ़ें जो एग्जाम में आने की ताकत रखती है और हर कंटेंट आपके एग्जाम में आने की ताकत नहीं रखता है, ध्यान रखें इस बात को। ये नहीं है कि आसमान के नीचे जो भी है उसे हम पढ़े जा रहे हैं, गलत, पूर्ण रूप से गलत, और हमें नाकामयाबी की तरफ ले जाने की पूरी ताकत रखता है। तो जो चैप्टर मैं आपको करवा रहा हूं, जो टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूं, उसको ध्यान से देखें, लिखें और इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दें कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। आइए जानकारी प्राप्त करते हैं। आपके सामने मैं एक प्रतियोगिता लेकर आया हूं, टेनिस से संबंधित है। हालांकि मेरे पिछले लेक्चर देखोगे तो मैंने बहुत बार इसके बारे में आपको जानकारी दी है, लेकिन हर बार इसमें एक नयापन होता है। आइए, यदि मैं टेनिस की बात करूं तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इसके जनक कौन है। फ्रांस, फादर ऑफ टेनिस, फ्रांस। फ्रांस को टेनिस का जनक माना जाता है, जैसे क्रिकेट का जनक आप इंग्लैंड को कहते हो, वैसे। ठीक, इसमें एक टूर्नामेंट होता है, उसको हम कहते हैं ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट। खूब क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखें, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट चार प्रकार के होते हैं ये, और इन चारों का क्रम पता होना चाहिए। मैं वापस रिपीट कर दूं, इन चारों का क्रम पता होना चाहिए। ये एक साल में होते हैं, आप लिख सकते हो, ये एक वर्ष में होते हैं, एक वर्ष में होते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। और जो मैंने आपको जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया है वो जनवरी से दिसंबर तक है। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट की बात करेंगे तो जनवरी फरवरी, फ्रेंच ओपन की बात करोगे तो मार्च अप्रैल के आसपास, विंबलडन की बात करोगे तो अभी जुलाई में हुए हैं, अखबारों में आप पढ़ ही रहे होंगे, यूएस की बात करोगे तो अक्टूबर नवंबर के आसपास। तो ये क्रम पता होना चाहिए आपको, ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट, विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट। ये कहां होते हैं स्थान, ये मेलबर्न में है, ऑस्ट्रेलिया में एक स्थान है मेलबर्न, हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ते भी हैं। पेरिस, हेसन की नगरी के नाम से इसको जाना जाता है, पेरिस फ्रांस की राजधानी है, वहां पर ये होते हैं। एक बात आप ध्यान रखना, ये जो फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट है इनका एक नाम और होता है, इसको कहते हैं रोलैंड गैरो टूर्नामेंट। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट, फ्रेंच से आप पता लगा लोगे कहां पे है, ऑस्ट्रेलियाई से पता लगा लोगे कहां पर है, यूएस से पता लगा लोगे न्यूयॉर्क में है, लेकिन विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट ये आता भी है, ये होते हैं लंदन में, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और मैदान, इन मैदानों के नाम दिए गए हैं, उस पर आपने ध्यान दे देना है। जैसे ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मैदान को हम हार्ड कहते हैं, फ्रेंच ओपन को हम रेड क्ले कहते हैं, और विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मैदान को हम ग्रास आउटडोर के नाम से जानते हैं।
इसी तरीके से जो यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट है, हार्ड आउटडोर्स के नाम से इसको जाना जाता है, ये आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है अभी जानकारी देता हूं, एक बार आप इसे नोट कर। ये चारों प्रतियोगिताएं होती है और इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी खेल है, ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट है, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट है, विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट है, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट है, इसमें पांच प्रतियोगिताएं होती है। पांच प्रतियोगिताएं कैसे, जैसे एक साइड में मेल, दूसरे साइड में मेल, एक साइड में फीमेल, दूसरे साइड में फीमेल। मोस्ट इंपोर्टेंट यही होता है, इसको कहते हैं पुरुष एकल, मतलब मेल सिंगल, इसको फीमेल सिंगल, एक तरफ महिला दूसरी तरफ महिला। इसी तरीके से ये जोड़े में होते हैं, इसको कहते हैं पुरुष युगल, ठीक है ना, पुरुष युगल बोलते हैं इसको। और ये है, ये क्या होते हैं, दो पुरुष खिलाड़ी एक तरफ, दो पुरुष खिलाड़ी दूसरी तरफ, दो महिला खिलाड़ी एक तरफ, दो महिला खिलाड़ी एक तरफ, तो ये महिला युगल हो जाता है ये, ठीक है। आप इसको फीमेल डबल भी कह सकते हो। और पांचवी जब जो प्रतियोगिता होती है, मेल फीमेल एक तरफ, दूसरी तरफ भी मेल फीमेल, मतलब युगल, पुरुष महिला, पुरुष महिला, ऐसे ये पांच होती है टोटल। लेकिन आपको इसके अंदर जो विशेष रूप से बात ध्यान देनी है वो है ये दोनों, इस पर आप चाहे गौर ना करें, इन तीनों पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि कोई भारतीय खिलाड़ी आ जाता है तो फिर थोड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है, जनरली इस पर क्वेश्चन नहीं आते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट की 2022 के जो है, हालांकि पहले इसके बारे में आपको जानकारी दे चुका हूं, लेकिन आप ध्यान रखिए, पुरुष एकल मतलब मेन सिंगल, विजेता इसमें विनर कौन रहा, राफेल नडाल, रनर अप, ये इंग्लिश वर्ड आपको साथ साथ बता रहा हूं, जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इन्हें साथ साथ नोट करते जाएंगे, रनर अप बोलते हैं। राफेल नडाल है, इसने हराया है दानिल मेदवेदेव को। अब यहां आपको क्या ध्यान देना है, एक तो ये जो खिलाड़ी है इनके देश का नाम आपको पता होना चाहिए, ये आता है, जैसे आपके क्वेश्चन आया हुआ राफेल नडाल का संबंध किस देश से है, स्पेन से है। कई बार मैंने आपको बताया मैड्रिड जिसकी राजधानी है और बुल फाइटिंग जिसका नेशनल गेम है, कई बार आपको बताया है। दानिल मेदवेदेव, थोड़ी सी यदि जद्दोजहद करोगे तो ये रशिया से संबंधित है, रशिया के एक बार प्रधानमंत्री भी इसी नाम से रहे थे, ये रशिया के हैं। अब देखिए यहां पर आपको क्या ध्यान देना, आगे भी यही सिस्टम रहेगा, ऐसे पूछा जाता है ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022, ध्यान से सुने, ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 राफेल नडाल ने निम्न में से किसे हराकर जीता है, समझ में आई मेरी बात, निम्न में से किसे हराकर जीता है, तो दानिल मेदवेदेव। अब ये उभरते हुए खिलाड़ी है, पूछा जा सकता है दानिल मेदवेदेव का संबंध किस देश से। इसी तरीके से जैसे ये महिला एकल आप कह सकते हो फीमेल सिंगल, विजेता विनर, एस्ले बार्टी मेरी नजर में सबसे इंपॉर्टेंट है, एस्ले बार्टी, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दी थी लेकिन फिलहाल इतना काफी है, एस्ले बार्टी ने महिला एकल वुमेन सिंगल का ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस का खिताब जीता और इन्होंने हराया रनर अप जो रही जेनेली कॉलिंस, अमेरिका की रही है, ये इंपॉर्टेंट है, नोट करें इसे। सेकेंड ये है फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट मेन सिंगल फीमेल सिंगल, आइए विजेता विनर कौन रहा, राफेल नडाल मैंने अभी बताया आपको,
स्पिन, यहां पर इनका ये 22वां ग्रैंड स्लैम बन जाता है, 22वां ग्रैंड स्लैम बनता है। और इसी के साथ हालांकि ये उपलब्धि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस में ही प्राप्त कर ली थी जब उन्होंने 21वां ग्रैंड स्लैम जीता था। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी, सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम मतलब चारों प्रकार के जो है इनको मिलाकर 22 इन्होंने जीत लिए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कैस्पर रूड को इन्होंने हराया है, ये नॉर्वे के हैं, आपको बता दिया। राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 निमन में से किसे हराकर जीता है, ऐसे बनते हैं क्वेश्चन, तो कैस्पर रूड नॉर्वे के हैं। नॉर्वे के बारे में एक सदाबहार क्वेश्चन, वैसे आप जानते हो क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हो। मध्य रात्रि के सूर्य का देश, खूब पूछा जाता है, ये खूब पूछा जाता है। शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, कई बार हम पढ़ते हैं इसको। महिला एकल, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, ये कम आने के चांस है। कम आने के चांस इस मायने में होते हैं कि कोई विशेष उपलब्धि यदि जुड़ी होती है तो उसके आने की ताकत थोड़ी ज्यादा रहती है। लेकिन मैं आपको यहां ये नहीं कह रहा हूं कि इसे पढ़ना नहीं है, पढ़ना है इसको, लेकिन यदि आप इसको भूल भी जाते हो तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा नहीं है कि आप अपराध की श्रेणी में आ जाओगे, बस थोड़ा सा ध्यान रखें। ईगा स्वीटेक पोलैंड की है, कोको गॉफ अमेरिका की है, बस नोट कर लीजिए। आइए अब जो लेटेस्ट में हुए हैं, जो भी अखबारों में चर्चा में थे, विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट लंदन में जो हुए, पुरुष एकल महिला एकल, ठीक। आइए विजेता विनर कौन रहा, नोवाक जोकोविच, ये इनका 7वां ग्रैंड स्लैम है, 7वां विंबलडन में 7वां ग्रैंड स्लैम है, और इन्होंने हराया है निक किर्कियोस को, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। क्वेश्चन किस पैटर्न पे बनता है वो आपको मैं बता चुका हूं, जो महत्वपूर्ण पैटर्न है वो, और वैसे तो सिंपल पूछ ले कि विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता तो ये आप वेल नोन है आपके लिए। मेरे कहने का मतलब है इस रनर अप को, उप विजेता को आप नजरअंदाज ना करें। एलेना रायबकीना कजाकिस्तान, यहां आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, फ्रेंच ओपन की तरह यहां पर मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा कि आप इसे नजरअंदाज करें। इसका कारण यह है कि ये जो है एलेना रायबकीना कजाकिस्तान की है, और इसके बारे में एक उपलब्धि जुड़ चुकी है, प्रथम एशियाई खिलाड़ी जिन्होंने यह खिताब जीता, फर्स्ट एशियाई जिन्होंने यह खिताब जीता। अब पता लगा कि क्वेश्चन आने की उम्मीद तेज क्यों होती है, मैंने फ्रेंच ओपन में आपको इसे थोड़ा सा नजरअंदाज करने के लिए कह दिया, और इसको मैंने कहा नजरअंदाज नहीं करना, समझ गए, इसे स्मार्ट तैयारी कहते हैं, ये होती है स्मार्ट तैयारी। जो स्टूडेंट इस दिशा में चलता है वो कभी नहीं रुकता, नहीं तो आपके सामने है ये कर लो वो कर लो जो मर्जी है वो करो, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, जब हम एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसकी यदि स्ट्रेटेजी सही तरीके से नहीं बना पाते हैं तो दोस्तों बेझिझक आपसे कहना चाहूंगा कि हम नाकामयाबी की तरफ चल रहे होते हैं। ये अलग बात है कि हमें वो बात या तो थोड़ा पहले समझ में आ जाती है या थोड़ा बाद में समझ में आ जाती है, लेकिन समझ में आती जरूर है। एक टाइम ऐसा आता है जब आप वो बात भली भांति समझ जाते हो। तो ध्यान दें, इसने जो हराया है ओन्स जेपियर को, ओन्स जेपियर ओ एन एस जे ए पी ई यू आर, ये ट्यूनिशिया की है। अब यहां भी अपने आप में एक उपलब्धि है, ट्यूनिशिया अरब कंट्री है,
आप जानते हो, अरेबियन है, तो इसके बारे में मैं लिख रहा हूं, ध्यान से लिख रहा हूं। प्रथम अरब खिलाड़ी, प्रथम अरब महिला खिलाड़ी कर दीजिए, जो इस टूर्नामेंट में, प्रथम अरब महिला खिलाड़ी, अरेबियन फीमेल खिलाड़ी, जो इस टूर्नामेंट में फाइनल तक पहुंची, जो इस टूर्नामेंट में फाइनल तक पहुंची। अब आप बताइए, क्या आपको नहीं लगता, यदि आप 6 महीने से भी तैयारी कर रहे हो, तो क्या आपको नहीं लगता ये पूरी ताकत रखते हैं एग्जाम में आने की? थोड़ा सा विचार करें, और मैं चाहूंगा कि आप अपने विचारों को मुझे बताएं, विचार करना इस पर, क्या आपको नहीं लगता ये स्मार्ट तैयारी का एक हिस्सा है, इससे हम कामयाबी के रास्ते पर चलते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि हम इससे अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि हम ये मोती मोती पढ़ते हैं और जो कचरा होता है उसको हम साइड में करते जाते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि हमारे दिमाग पर थोड़ी जो उलझनों का बोझ होता है वो कम हो जाता है? विचार करें इस बात पर, एक बार नोट करें। अब मैं बात करने जा रहा हूं उस फिल्म पर जिसे आपने पढ़ना है। मेरे शब्दों की तरफ ध्यान दें आप। आपके सामने है ये फिल्म रॉकेट्री द नंबी इफेक्ट, रॉकेट्री द नंबी इफेक्ट। इसको जरूर देखें आप, आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा इसमें। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से आपको बता दूं तो एक तो इसमें यह पूछा जाता है कि इसके राइटर कौन है, इस फिल्म को लिखा किसने, दूसरा इस फिल्म के निर्देशक कौन है, तीसरा किस पर आधारित है, ये तीन बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। यदि मैं कहूं इसके लेखक कौन है तो आर माधवन, काफी प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता है ये, और जो निर्देशक है डायरेक्टर ये भी है आर माधवन, यहां पर आपको मिल भी जाएगी ये चीजें, 1 जुलाई को रिलीज हुई है ये। और किस पर आधारित है ये, वैज्ञानिक नंबी नारायण के जीवन पर आधारित है, नंबी नारायण के जीवन पर आधारित है। अब देखिए, इस टाइप के जो क्वेश्चन है, लेखक है निर्देशक है, ये तो पुराने पेपर आप देखते ही हो, मुझे ये बताने की आपको आवश्यकता नहीं है कि इस टाइप के क्वेश्चन बने हुए हैं, चर्चित फिल्म है ये। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं, जो अलग टाइप का क्वेश्चन जो कि आता भी है, आपसे कहेगा इस फिल्म के बारे में बात नहीं करेगा, आपसे क्या करेगा, नंबी नारायण का संबंध किस क्षेत्र से है, ऑप्शन बना देगा, वैज्ञानिक है, पर्यावरणविद है, एक्सेट्रा, आप समझते हो इन चीजों को। तो नंबी नारायण साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट है, तो इनका जो क्षेत्र है साइंटिस्ट है, तो इस फिल्म को आप जरूर पढ़ें, एक बार आप इसे नोट करें। तो दोस्तों, आज हमने एक फिल्म पर बात की, इसके अलावा जो खेल से क्वेश्चन बनते हैं जिसमें टेनिस बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस पर मैंने आपको कुछ जानकारियां दी, कैसे क्वेश्चन बनते हैं उस पर ध्यान दें और स्मार्ट स्टडी को महत्व दे। हो सकता है मेरी बात आपको ये इरिटेट लगती हो, लेकिन मान के चलना कामयाबी का रास्ता यहीं से निकलता है। और अब आपसे ये कहना चाहूंगा कि यदि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया, आपको लगा कि आपको कुछ नया मिला है,
तो आप इसे शेयर करें, लोगों को बताएं, नहीं तो आप इसको बिल्कुल भी शेयर ना करें और ना ही इसे देखें। तो इजाजत चाहूंगा, आप सभी को मेरा नमस्कार।